दिवाली जा चुकी है और आप लोगों ने ढेर सारी मिठाइयाँ खाई हैं, जिसकी वजह से इस टाइम आप लोगों को गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग और बहुत सारे लोगों को तो कब्ज की परेशानी भी हो रही है। तो आज मैं आप लोगों के पास इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर के आई हूँ। अगर आप लोग इस जादुई ड्रिंक को लेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों की प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर वर्माज पीएसएनएस। खाना खाने के बाद आप लोगों का पेट फूल जाता है। दूसरी चीज, खाना खाने के बाद या फिर पूरे दिन में आप लोगों की गैस बिल्कुल भी पास नहीं होती है। खाना खाने के जस्ट बाद आप लोगों को ऐसा फील होता है कि आप लोगों को मथली हो रही है, वोमिट हो जाएगी, इस तरह का फील होता है। या गैस के कैप्सूल्स लेने पड़ते हैं आप लोगों को, एंटासिड लेनी पड़ती है। लोग एंटासिड की टैबलेट्स लेना भूल जाते हैं तो आप लोगों को और भी ज़्यादा गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। अब ये होता क्यों है, इसका कारण क्या है? देखिए, इसका सबसे पहला कारण तो यही है कि मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं लेकिन फिजिकल वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। दूसरा जो कारण है वो ये है कि जो दिनचर्या है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। और तीसरा है आप लोगों का खान पान, जिसमें बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा और घर का बना हुआ खाना बहुत ही कम आता है। लेकिन अब आप बाहर का कम कर दीजिए और घर का अगर आप जब खाते हैं उसके बाद भी आप लोगों को गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक जादुई ड्रिंक बता देती हूँ। अगर इस जादुई ड्रिंक का आप लोग डेली यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। उसके लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और साथ ही जब आप इसे लेना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट डे से ही आप लोगों को इसके रिजल्ट दिखाई देते हैं। तो इस जादुई ड्रिंक को बनाने के लिए आप लोगों को क्या क्या चाहिए? पहला, जीरा, जो कि आप लोगों के किचन में इजीली होता ही है। तो देखिए, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, साथ ही इसमें बेली फैट को रिड्यूस करने की प्रॉपर्टीज तो होती ही हैं। इसके साथ आप लोगों को जो डाइजेशन है उसको भी इम्प्रूव करता है। तो जीरा लेना है आप लोगों को। दूसरी चीज है अजवाइन लेनी है। अजवाइन में थाइमोल नाम की प्रॉपर्टीज होती हैं और जो थाइमोल नाम की प्रॉपर्टीज होती हैं वो आप लोगों के डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही लाभकारी होती हैं। और अगर आप लोग इसको कंटिन्यू यूज करते हैं, इसका यूज आप कैसे भी कर सकते हैं, चाहे तो इसके पत्तों का यूज कर सकते हैं या फिर जो दाने आते हैं, इसके सीड्स होते हैं, उसका यूज भी आप लोग कर सकते हैं। तीसरी चीज आती है काला नमक, जो कि आप लोगों के डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। चौथी चीज आती है इसमें अदरक में जिंजरोलिक नाम की प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि आपकी डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करती हैं, ओवरऑल आप लोगों की हेल्थ जो है वो बेटर होती है। तो आप लोग इसके लिए अदरक का भी प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही आप लोगों को नींबू चाहिए। नींबू जो है वो आप लोगों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ ही जितना भी फैट होता है इससे खत्म होता है, तो इसलिए आप लोग नींबू का यूज भी करेंगे और आप लोगों को गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम में भी काफी आराम मिलता है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ इनकी क्वांटिटी कितनी कितनी लेनी है और साथ ही बता देती हूँ कि इसको बनाने का जो तरीका है वो क्या है। देखिए, इसके लिए आप लोगों को जीरा जो है वो 100 ग्राम जीरा चाहिए, 50 ग्राम आप लोगों को अजवाइन चाहिए, 10 ग्राम आप लोगों को काला नमक चाहिए और 10 ग्राम आप लोगों को अदरक चाहिए और नींबू 4 से 5 चाहिए। अब इसको बनाने का जो तरीका है वो क्या है, आप लोग 4 कप पानी लेंगे और 4 कप पानी में आप लोग 1/4 चम्मच जीरा डाल देंगे और 1/4 चम्मच ही आप लोग इसमें अजवाइन डाल देंगे। इसको अच्छे से तेज गैस पर पकाना है और जब इसमें 4 से 5 उबाल आ जाए तब इसको जो गैस है उसको सिम कर दे और फिर उसके बाद इसको जब तक पकने दे जब तक कि ये 1 कप ना रह जाए, और फिर इसके बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसको छान लीजिए और छान करके इसमें काला नमक, अदरक का रस और जो नींबू हैं उनमें से आधा नींबू स्क्वीज कर लेंगे और इसको घुट घुट करके पियेंगे। अब इसको पीना कब है, इसको आप लोग सुबह खाली पेट भी पी सकते हैं, इसको आप लोग खाना खाने के जस्ट बाद भी पी सकते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो दिन में 2 बार भी पी सकते हैं और जिनको थोड़ी कम प्रॉब्लम है वो दिन में इसका 1 ही बार प्रयोग करें। इसके साथ ही अगर आप लोगों को कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी रहती है तब आप लोग इसका रात में सोने से पहले प्रयोग करें, आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। इसके साथ अगर आप लोग 3 से 4 दिन अगर आप लोग प्रयोग करते हैं कंटिन्यू, तो आपकी जो प्रॉब्लम है गैस और एसिडिटी की वो खत्म हो जाएगी। और इसको आप लोग कितने भी दिन तक प्रयोग कर सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है।
इससे अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी आराम होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आप लोगों को किसी भी हेल्थ टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उस पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगी और आप लोगों की हेल्प करूंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।